तो लगता है भाई मेरी बाइक कहीं फंस ना जाए। ओ भाई, अगर यहाँ बाइक फंस गई, ऑफ रोड करने आए हैं ना, तो ऑफ रोड करना है भाई। ये नहीं कि भाई आए रास्ता खराब है तो भाई पीछे हट जाओ। भाई ये चेक करो यार, टायर की क्या हालत हुई थी। और भाई यहाँ नीचे से मतलब बहुत ज़्यादा गीला, मेरे शूज़ भी गीले हो रहे हैं। लेना तो यहाँ से, ओ शिट, लेना तो यहाँ से पड़ेगी गाइस, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। बाइक की हालत कैसी है यार? तो भाई खतरनाक मजा आया भाई। गाइज वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। सो गाइज बढ़िया ही होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हो भाई सिद्रा नेस्कैफे से। एंड भाई आज का व्लॉग खतरनाक होने वाला है। तो भाई आज हम जा रहे हैं ऑफ रोड करने, तो साथ में हमें और भी भाई है। तो सबसे पहले निकलते हैं हम यहाँ से, तो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो भाई आज की राइड हमारी फर्स्ट भाई बजालता वाले रोड से हो रही है। हम निकले हैं शाम के टाइम, तो भाई शाम के टाइम आपको पता है मौसम बहुत बढ़िया होता है। तो भाई आज हम जा रहे हैं ऑफ रोड करने, तो भाई आज तबाही खतरनाक वाला ऑफ रोड होने वाला है। साथ में हमारे एक रॉयल एनफील्ड की बाइक भी है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई ब्लॉग कैसा लगा। अगर सही नहीं लगा तो भाई कोई बात नहीं, बट कमेंट किया करो कि भाई ब्लॉग सही नहीं लगा। मौसम बहुत ठीक रहता है यहाँ पे, क्योंकि यार वहाँ पे थोड़े मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह रहते हैं चारों तरफ। तो भाई यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे आप देख ही रहे हो भाई, हर जगह पेड़ है इधर उधर। तो भाई आज तबाही ब्लॉग होने वाला है। तो भाई चलते हैं सीधा आगे हम ऑफ रोड वाली जगह पर। सो भाई डलवा लिया अपनी बाइक में तेल, तो निकलते हैं अब यहाँ से ऑफ रोड के लिए, क्योंकि भाई ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा तेल लगता है यार। मेरी बाइक का इंडिकेटर ख़राब हो गया, इसको ये लातू का भूत है भाई, लातू के भूत बातों से नहीं मानते इसको। जब तक तो पड़ेगी नहीं तब तो तक ये चलता नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे। तो भाई चेक करो यार कितना तगड़ा व्यू है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई। एंड यार सिर्फ मोड़ ही मोड़ है यहाँ से, तो भाई रोड बहुत अच्छी है, मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में। देखो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाना है हमने सीधे ही। अच्छा हमको सिखा दिया। एक बार यहाँ का व्यू चेक कर लो भाई, बहुत तगड़ा व्यू है। ओ भाई जब हम ऑफ रोड करने जाएंगे ना भाई, वहाँ नीचे तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। ये चेक करो भाई, यहाँ हमने जाना है नीचे ऑफ रोड करने, ठीक है? तो इसका रास्ता मैं बताता हूँ भाई कहाँ से है। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम अपनी ऑफ रोड वाली जगह पे। एंड भाई यहाँ से हमने नीचे जाना है, तो उनका भी वेट करते हैं। मुझे नहीं लगता उनको पता होगा या नहीं पता होगा, तो भाई उनका वेट करते हैं। सो गाइस मैंने बोला था इनको नहीं पता होगा, तो ये आगे जा रहे थे सीधा स्पीड में, तो मैंने इनको बुलाया वापस के लिए। तो भाई आज खतरनाक वाला ऑफ रोड होने वाला है इधर, तो चेक करना भाई आज क्या क्या होता है हमारे साथ। भाई क्रैश नहीं होना चाहिए बाकी ठीक है, क्योंकि भाई अगर क्रैश हो गया ना तो भाई सीन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरी बाइक का पहले भी क्रैश हुआ है, तो हैंडल टेढ़ा हो गया है। तो आज मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा सीन हो कुछ। तो अब हम निकलते हैं इस वाली साइड के लिए, तो भाई इनको रास्ता बिल्कुल नहीं पता, तो आगे वाली साइड मैं ही चलूँगा। अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, देखो भाई चेक करो ये वाली साइड है हमारी ऑफ रोड वाली। तो अब हमें उस साइड वाली जगह जाना है, तो निकलते हैं यहाँ से, करते हैं स्टार्ट। यार यहाँ से रोड तो बड़ी ख़राब है, बट हमें तब भी बाइक निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो वैसे हमें पूरा रास्ता पता तो है नहीं वहाँ के लिए कहाँ से निकलना है, बट तब भी निकलते हैं यार। तो यार एक बार बता दूँ मैं, जो मेरा टायर लगा हुआ है ना पीछे भाई, ये बिल्कुल ऑफ रोड वाला, आपको तो खुद ही पता होगा भाई। ये वाला टायर खाली ट्रैक टायर होते हैं, मतलब रोड पर चलते हैं, तो भाई ऑफ रोड में तो बिल्कुल नहीं चलते हैं ये। तो भाई तब भी चेक करते हैं भाई आज ये कैसा परफॉर्मेंस देते हैं ऑफ रोड में। तो पहले हम बोलते हैं कि बाइक आगे निकलेगी वो वाली, क्योंकि वो भाई ज़्यादा फंसने का चांस नहीं है, वो आगे निकलेगी तो हम इस पीछे पीछे चलेंगे। चलो 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 भाई सीधा ही, देखते हैं भाई निकलती, निकालो यार वो, निकालो यार। सो गाइस देखते हैं आज कैसा ऑफ रोड होता है। तो मेरे को तो लगता है भाई मेरी बाइक कहीं फंस ना जाए। ओ भाई जहाँ से हमें अपनी बाइक निकालनी है, तो हमें किसी तरह उस साइड पहुँचना है, तो उस साइड पहुंचने के लिए हमें बाइक यहाँ से ही निकालनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ बाइक फंस गई तो भाई सीन ख़राब हो जाएगा। इधर इधर यार इधर। तो यार यहाँ वाली जो रोड है ना, ये मतलब ऊपर से लग रही है सूखी, बट यार नीचे से इसको बहुत पानी है, तो अगर टायर हमारा थोड़ा भी दब गया इसमें तो भाई सीन ख़राब हो जाएगा, तो बाइक पूरी फंस जाएगी। जैसे ये दिख रहा है ना, इस पर बिल्कुल बाइक नहीं डालनी है भाई, पूरी बाइक फंस जाएगी वहीं पे। तो इसलिए हम अपना रास्ता निकालते हैं भाई खुद,
तो जहाँ जहाँ से हमें बाइक निकालनी निकाल सकते हैं, मतलब जहाँ से लगता है कि भाई थोड़ा सूखा होगा हमें वहाँ वहाँ से बाइक निकालनी है। तो यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ भाई, तो मेरे को लगता है मेरे को यहाँ से अपनी बाइक लेनी पड़ेगी। अब निकालते हैं अपनी बाइक सीधा बीच से, अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि भाई ऑफ रोड करने आए हैं ना तो ऑफ रोड करना है भाई। ये नहीं कि भाई आए रास्ता ख़राब है तो भाई पीछे हट जाओ, नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, ऑफ रोड करने आए हैं तो ऑफ रोड करना है, पीछे हटने वाली बात नहीं आती है इसमें भाई कहीं। तो भाई मेरे को लगता है यहाँ से बस बाइक निकल जाएगी, तो मेरी बाइक का सीन हो चुका है यार। तो भाई ये चेक करो यार टायर की क्या हालत हुई थी, और भाई यहाँ नीचे से मतलब बहुत ज़्यादा गीला, मेरे शूज़ भी गीले हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था भाई यहाँ सीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बड़ा बात चुके हैं। अब यहाँ से ऐसे वापस तो जाएंगे नहीं हम, तो निकलते हैं भाई सीधा ही, निकालने की कोशिश करते हैं अपनी बाइक को, और अगर यहाँ से निकल जाती है तो भाई ओ आओ यार देखो भाई क्या बंदे वो यार, बिल्कुल भी नहीं आ रहे आगे, क्या बनेगा ऐसे बंदों का यार। तो भाई निकालते हैं हम अपनी बाइक को आगे यार, यहाँ से है तो मुश्किल यार, लेकिन क्या करें निकालना तो पड़ेगा यार किसी न किसी तरह। सो भाई मेरे को लगता है यहाँ से इजी है, तो अब हम निकालते हैं अपनी बाइक को। ओह माय गॉड भाई एक ही सीन रहा, अब हमारा उतना ज़्यादा सीन नहीं है, बट यहाँ से बाइक उस साइड लेना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि भाई वहाँ से तो बाइक चढ़ जाएगी लेकिन यहाँ से उतारना थोड़ा रिस्की है। ओह तो भाई उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, पत्थर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बाइक गर्म भी हो गई है यार बहुत, तो बाइक को स्टार्ट ही रखना पड़ेगा यार, बंद नहीं कर सकते बाइक को। ठीक है तो यहाँ से बाइक उतारना मुश्किल है। सो गाइस यार एक सीन हो चुका है, तो भाई यहाँ से मेरे को कोई रास्ता दिख नहीं रहा नीचे जाने के लिए, एंड भाई आगे से रास्ता है बट वहाँ पे क्या मसला है कि वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकड़ है, वहाँ से बाइक नहीं निकल सकती है, तो कोई सीन निकालना पड़ेगा भाई जहाँ से अपनी बाइक निकाल सकते हैं। तो एक जगह ये है जहाँ से अपनी बाइक निकाल सकते हैं, बट आगे चेक करो यार कितना ज़्यादा पानी है। तो ये पानी यहाँ से इधर के लिए जा रहा है, मेरे को लगा ऊपर से नीचे जा रहा है बट ये नीचे से ऊपर के लिए जा रहा है। तो भाई अगर यहाँ से हम अपनी बाइक वहाँ से भी निकाल सकते हैं तो ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि कोई सीन नहीं होना चाहिए। बाइक अगर फंस गई, वो देखो भाई कहाँ बैठे हैं बंदे, इनको भाई ये पता नहीं क्यों आए थे यार। सो फाइनली गाइज निकाल दी यार यहाँ से बाइक, लेना तो यहाँ से, ओ शिट लेना तो यहाँ से पड़ेगी गाइज, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ से सीन है ना, तो भाई शुक्र है हमारे शूज भी बच गए, तो उतना कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ से हमने बाइक निकालनी है आगे, तो मेरे को लगता है यहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। सो भाई फाइनली ओ माय गॉड, तो भाई निकल चुके हैं हम, मतलब फाइनली हमने निकाल ली अपनी बाइक। सो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ से निकालना, तो भाई बाकी जो मेरे साथ बंदे आए थे वो अभी पीछे ही हैं, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार पहले यहाँ पे अपनी बाइक लगाते हैं। ओ हो सो देखो यार हमने निकाल ली अपनी बाइक, ये चेक करो बाइक की हालत कैसी है यार। तो भाई ख़तरनाक मज़ा आया, बट यार सीन ऐसा है कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वो चेक करो वो उधर पे रुके हुए, उनको कॉल करके यहाँ बुलाते हैं। गाइस भाई हम पहुँच गए यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हम सीधा आगे की तरफ। और भाई हमेशा एक बात बोलूँ, हमेशा उन बंदों के साथ आना चाहिए राइड पर जिनको भाई आप अच्छे से जानते हो, जिन पर भरोसा हो, ऐसे किसी आलू फालतू बंदों के साथ नहीं आना चाहिए। तो भाई कुछ भी हो सकता है फिर, जो मर्जी है वो समझ लेना। तो भाई अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे ऑफ रोड पर, ख़तरनाक वाला ऑफ रोड करेंगे, तो देखते हैं यहाँ से कहाँ से निकालते हैं अपनी बाइक को।
क्योंकि भाई अगर अभी मैं अकेला हूँ, अगर बाइक फंस गई तो सीन हो सकता है। ओ भाई खतरनाक, तो यहाँ से निकलते हैं हम सीधा आगे की तरफ, तो यहाँ तो खतरनाक ऑफ रोड होने वाला है। तो भाई चेक करो यार, यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा सही है एंड भाई आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आगे जो व्यू है ना, बहुत तगड़ा व्यू है। तो भाई अभी मैं अकेला ऑफ रोड कर रहा हूँ, वो भाई पीछे रुक गए, वो डर गए, तो वो बोल रहे अपनी बाइक फंस जाएगी। तो भाई बाइक अगर फंसनी होती तो भाई फिर आना ही क्यों था ऑफ रोड पे। निकलते हैं यहाँ से भाई डायरेक्ट आगे के लिए, मतलब पानी होता है ना भाई तब तो यहाँ बहुत और भी सही ऑफ रोड होता है, बट आज थोड़ा उतना पानी नहीं है यहाँ। तो भाई यहाँ से चेक करो यार, यहाँ से पानी होता है, बट आज कल पानी सारा सूख चुका है यार। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रही ऊपर चढ़ाने वाला रास्ता कहाँ से है। पहुँच चुके हैं हम अपनी जगह पे जहाँ हमें आना था। भाई यहाँ के व्यू बहुत ज़्यादा सेक्सी है यार, मेरे को बहुत तगड़ा व्यू लगता है। तो यहाँ मेरे को लगता है क्रिकेट वगैरह भी खेलते होंगे। तो अभी हम यहाँ पे कहीं पे रुकते हैं सामने। ओ भाई सो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे। तो भाई यहाँ का व्यू चेक करो यार, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सूरज सर पे है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ का व्यू चेक करो, कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ का। एंड भाई बाइक की हालत चेक करो यार, बाइक की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो मेरे को ये वॉश करानी पड़ेगी। एंड एक बात बताओ यार, जो मैंने पेंट करवाया था ना, देखो पेंट भी उखड़ रहा है क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे बहुत सारा धूप है, तो हम थोड़ा उस साइड वाली साइड जाएंगे जहाँ पे थोड़ा छाँव होगा, तो वहाँ पे रुकते हैं भाई थोड़ा कुछ टाइम के लिए। तो भाई यहाँ मतलब मज़ा ही आता है, ये जगह मेरे को लगता है बनी ऑफ रोड के लिए। तो यहाँ तो भाई छाँव का कहीं नामो निशान नहीं है, वो दूसरी वाली साइड है, बट वहाँ मेरे को मतलब रास्ता नहीं है वहाँ जाने का। तो अब यहीं से निकलते हैं अभी हम। सो फाइनली भाई मिल गया हमें जगह यहाँ पे बैठने की, एंड यहाँ से भी हम ऑफ रोड कर सकते हैं। पहले यहीं पे बाइक लगाते हैं अपनी। 6.5 hours later. So guys, finally अभी पहुंच गए हम इस तरह की लोकेशन पे। तो भाई यहाँ चेक करो हमारे साथ कितनी बाइक है भाई, अभी यहाँ पे ऑफ रोड करते हैं थोड़ा तगड़ा वाला। सो गाइस सबसे पहले मैं लेता हूँ भाई MT को, तो देखते हैं भाई यहाँ से निकल पाती है कि नहीं। एंड भाई उसके बाद NS को भी लेते हैं, तो बुलेट को भी निकालेंगे वहाँ से। निकालनी है बुलेट को, नहीं देखना क्या है। तो भाई पहले निकालते हैं बाइक को, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ से निकलेगी बाइक। तो भाई यहाँ का व्यू एक बार चेक करो, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। हाँ हाँ आराम से, आओ नहीं गिरेगी आराम से। ये देखो फिलहाल अगला टायर उठेगा यार, यहाँ से करना, आगे से निकाले। तो बाइक चढ़ के रहेगी फिर यार, तुम कच्चे ड्राइवर हो यार, तुम कच्चे ड्राइवर हो बस। यार तुझे निकालना नहीं आ रही यार, अरे
तो गाइस यार बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, बाइक भी बहुत गर्म हो गई, तो बाइक की हालत देख ही सकते हो आप भाई। आज ऑफ रोड सही हुआ, बट अब हम देखते हैं आगे यार, क्योंकि आगे जो वो पानी है ना वो बहुत खतरनाक है यार। ओ भाई अब हम निकालते हैं यहाँ से एंड पे चेक करते हैं कैसा व्यू रहता है। ओ ओ ओ सो भाई ये चेक करो, हमारे रजत भाई की बाइक फंस चुकी है। अब हम थोड़ा जीरो कट मारते हैं एक और। ओ 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 फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई भाई, हमारी बाइक फंस गई। बट नहीं 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 हाँ वो नहीं निकली है, रुको मैं निकालूँ मैं निकालूँ। गाइस देखो यार इसकी बाइक फंसी नहीं है, झूठ बोल रहा है। गाइस देखो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं यहाँ से वापस के लिए। एंड भाई चेक करो इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, हालत ख़राब हो गई पूरे भाई, मेरे घूट तक सूख गए भाई, पानी में आराम से निकालनी पड़ेगी। वादी के बाद ही भाई सूखा कीचड़ सूखी मिट्टी, तो भाई बाइक की हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई यहाँ साहिल को चेक करो, साहिल पैदल चलते हुए। तो भाई यहाँ पानी है, अगर ये हमें यहाँ से थोड़ा सा भी तेज़ चला ना भाई गए खत्म भाई, पानी उसे ऊपर से भाई शॉर्ट भी खत्म। ये देखो भाई राजन की बाइक। तो गाइस फाइनली भाई निकल चुके हैं हम ऑफ रोड वाली रोड से वापस और आ चुके हैं भाई अपनी हम मेन रोड पे। तो भाई आज को ऑफ रोड भाई खतरनाक हो गया यार, क्योंकि भाई ऐसा सीन हुआ था कि भाई हम उतनी बाइक्स तो थी नहीं, एंड भाई मौसम भी आज थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी उतनी शाम हुई नहीं है तो, लेकिन हम पहले ही वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ से आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई बाइक के थोड़े टायर वगैरह स्लिप हो जाते हैं। फिर हम ऑफ रोड करके आए हैं तो भाई बाइक्स के टायर में बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसी है, एंड भाई पानी भी था तो टायर गिले भी हो गए हैं पूरे, देखो बिल्कुल सामने से है तो, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है मस्त वाली। सो फाइनली यार गाइस अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। अब एक बार बाइक भी चेक कराता हूँ, ये चेक करो भाई बाइक की क्या हालत है यार, बहुत गंदी हो रखी है बाइक, तो अब कोई समझ नहीं आ रहा इसको क्या करूँ मैं। घर पे तो वॉश कर नहीं सकता भाई, मैं यहीं पे अपनी बाइक वॉश करता हूँ, वहाँ पे मोटर लगी हुई है। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको सर्विस स्टेशन ले जाऊँ तो वहाँ जाके वॉश कराता हूँ, बट यार अभी मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अभी मेरे को जिम भी जाना है, तो भाई पहले मैं जिम जाता हूँ तो बाकी काम उसके बाद करते हैं भाई, क्योंकि उसको वॉश दूर ही करवाना है। ये एक बार ये चेक करो यार, ये चेक करो भाई एक बार, और टायर की हालत देखो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो भाई अब आज के व्लॉग में यही था, होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, तो अगर व्लॉग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।